मैं डॉक्टर प्रेमपति यादव। आज हम लोग सिकल कोर के बारे में बात करने वाले हैं। सिकल कोर एक ऐसी दवा है जिसको हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी मानते हैं। कैसी महिलाएं, जो बहुत ज्यादा पतली दुबली हो, जिनमें बहुत ज्यादा कमजोरी हो, जिनके चेहरे जो है बहुत ज्यादा धसे हुए हों, और ओल्ड एज की वुमेन हो, मतलब 50 से ज्यादा की हो चुकी हो, उन लोगों के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इसको मेल में नहीं दे सकते हैं या यंग वुमेन्स पे नहीं दे सकते, दे सकते हैं, बट ये ज्यादा सुटेबल बूढ़ी महिलाओं के लिए है। और उसके बाद उनकी आंखें जो हैं वो धसी हुई हो और उनके आंखों के पास काला घेरा देखने को मिले, अगर कोई ऐसी महिला है तो इसके लिए ये मेडिसिन हमारी बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो अगर आपके आसपास ऐसी कोई महिला है तो आप उसको जरूर इस दवा के बारे में बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस दवा को। इसका जो पर्सन होता है बहुत ज्यादा थकने वाला होता है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा छोटी छोटी चीजों से। अगर बहुत ज्यादा थकान देखने को मिल रही है तब आप सिकल कार्निटम के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके वुमेन जो है उसकी मसल्स जो है बहुत ज्यादा लूज होंगी। अब अगर कोई आप एक बूढ़ी महिला को इमेजिन कीजिए जिसका कलर जो है मटमैला कलर है, थोड़ा सा स्किन लूज लूज सी है, ढीली, जैसे अब अगर आपकी दादी हो, नानी हो, आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपको ये मेडिसिन याद करने में आसानी होगी। तो देखिएगा कि उसकी स्किन जो है लूज है, लटक रही है, ऐसा लग रहा है कि सब तरफ से खुली हुई है, ठीक है, और उसके बाद कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तब आप सिकल कोर के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आप क्या देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पैसिव हेमरेज देखने को मिलता है, मतलब ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, इसका कॉज आपको पता नहीं चल पाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि इसका जो ब्लीडिंग है थिन है, पर्सन भी कैसा था, थिन था, ब्लीडिंग भी थिन है, वॉटरी है और डेब्लिटेटिंग है, मतलब थकाने वाला अगर खूनी स्त्राव देखने को मिल रहा है तब आप सिकल कोर के बारे में सोचेंगे। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें हीमरेजिक डायथिसिस है। हीमरेजिक डायथिसिस का मतलब क्या हो जाता है, हल्का सा भी घाव लगना और बहुत ज्यादा खून का स्त्राव होना, ठीक है। तो यहाँ पे हीमरेजिक डायथिसिस तो स्लाइट वुंड, अब जैसे ये चेयर है, मेरा हाथ ऐसे लगा, हल्का सा घाव था, लेकिन मुझे ब्लीडिंग एक सप्ताह तक देखने को मिल रही है। एक सप्ताह तक अगर हल्के से घाव से खून का बहाव हो रहा है तब आप सिकल कोर के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लैक्सिस के बारे में भी सोच सकते हैं, लैक्सिस भी हमारी हीमोरेजिक डायथिसिस की मेडिसिन है। एंड फॉस्फोरस के बारे में भी सोच सकते हैं, फॉस्फोरस भी क्या है, हीमोरेजिक डायथिसिस है, बट फॉस्फोरस का जो ब्लड है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। और हम सिकल कोर की बात कर रहे हैं तो सिकल कोर का जो ब्लड है बहुत ज्यादा डार्क कलर का होता है, एकदम जैसे हम किसी वुमेन से पूछते हैं कि आपका खून का बहाव कैसा होता है, चाहे वो मेंसेस का हो या चोट लगी उस समय, तो बोलेगी बहुत ज्यादा काला जैसा खून देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा डार्क देखने को मिलता है अगर वैसा स्त्राव है, और उसके बाद ब्लड जो है वॉटरी भी देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा थकाने वाला लॉस हो, तब आप इस दवा के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है यहाँ पे कि इसका पर्सन जो आपको बताएगा कि इससे पहले जब मुझे हीमरेज हुआ था, मुझे जब ब्लड लॉस हुआ था, वाइटल फ्लूइड का लॉस हुआ था, तो मुझे टिंगलिंग सेंसेशन जैसे गुदगुदी सा लगना या बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है, चुनचुनाहट होना, अगर वैसा सेंसेशन मुझे इससे पहले ब्लड लॉस में नहीं आए थे, लेकिन अभी जो हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है मेरे लिम्स में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में, और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे सुन्न पड़ रहा है, झुनझुनाहट आ रही है, अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है और ऐसा पर्सन बताता है कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है लेकिन ब्लीडिंग तो मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, तब आप सिकल कोर दे सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे अननेचुरल रैवनस एपेटाइट है, मतलब क्या होता है इसका कि कोई भी नेचुरल चीजें नहीं है, जैसे अगर मुझे डायरिया हो रहा है तो मैं यूजुअली पर्सन क्या होगा डायरिया का, मैं खाना नहीं खाना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे डर है कि क्योंकि मुझे फिर से वॉशरूम जाना पड़ेगा। बट सिकल कोर का जो पर्सन होगा उसको डायरिया हो रहा है उसके बाद भी वो खाना खाना चाहेगा, बहुत ज्यादा उसकी डाइट होगी, बहुत ज्यादा भूख लगेगा, और उसके बाद उसको खट्टी चीजों की जैसे नींबू हो गई, इन सारी चीजों की डिजायर देखने को मिले, तब आप सिकल कोर के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके डायरिया की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो इसका डायरिया जो होता है ना बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, वॉटरी भी देखने को मिल सकता है, ब्राउन कलर का भी देखने को मिल सकता है, प्यूट्रिड भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बदबूदार हो सकता है, सड़ा हुआ देखने को मिल सकता है, और उसके साथ बहुत ज्यादा फोर्स के साथ निकलता है। जैसे डायरिया क्या है इसलिए हम जाते हैं और नॉर्मल स्टोर हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स के साथ देखने को अगर मिल रहा है तब आप सिकल कोर के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा आप गम्बोजिया एंड क्रोटेलस हॉर्डस के बारे में भी सोच सकते हैं, वहां पे भी जो डायरिया होता है वो फोर्सफुल
क्रीट आउट होता है। इसके अलावा इसका जो डायरिया है सिकल कोर का वो क्या है, पेनलेस डायरिया, मतलब दर्द देखने को नहीं मिल रहा है आपको। बिना दर्द के अगर डायरिया देखने को मिल रहा है और उसके साथ बहुत ज्यादा है और पर्सन एग्जॉस्ट हो जा रहा है, जब उसकी आप स्किन छूते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, लेकिन जब आप उसको कवर करने को बोलेंगे तो वो कवर नहीं करना चाहे, ऐसा अगर कोई पर्सन देखने को मिले तब आप सिकल कोर के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे कोलेरा की भी बात कर लेते हैं। कोलेरा होता क्या है? सबसे पहले तो अगर किसी पर्सन को वोमिटिंग एंड डायरिया साथ में देखने को मिल रहा है तो उसे हम कोलेरा बोलेंगे। कोलेरा की कंडीशन के साथ अगर कोई पर्सन कोलैप्स हो जा रहा है तब आप सिकल कोर को दे सकते हैं। अब कोलैप्स की कंडीशन है मतलब स्किन ठंडी पड़ गई है और पर्सन कवर अप नहीं करना चाह रहा है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं पे भी पूरा ठंडा पड़ा हुआ है शरीर लेकिन कवर नहीं करेगा, तो आप सिकल कोर देंगे और आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही अच्छी एक्ट करेगी और पर्सन ठीक हो जाएगा। अब हम इसके बर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा बर्निंग देखने को मिलती है। पूरी बॉडी जैसा लगता है जैसा जल रहा है, जैसे स्पार्कल ऑफ लैम्प, जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे चिंगारी निकल रही हो शरीर से, वैसा ज्यादा अगर जलन देखने को मिल रहा है स्पेशली उन पार्ट में जिन पार्ट में उसको दिक्कत हो रही है, जिस पार्ट में या तो वो लेट रहा हो, अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है तब आप सिकल कोर के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप आर्सेनिक से भी कंपेयर कर सकते हैं। आर्सेनिक और सिकल कोर सिमिलर मेडिसिन ही है ऑलमोस्ट, बट इनका हीट का कैरेक्टर और कोल्ड का कैरेक्टर अपोजिट है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी दवा है, तो हम इसके मेंसेस की बात करते हैं। तो मेंसेस जो होता है इसका इररेगुलर होता है, मतलब हमारा जो एक साइकिल होता है वो 28 डेज का होना चाहिए। इसका जो साइकिल है वो हो सकता है 20 दिन में ही मेंसेस आ जाते हो, या फिर 35 दिन में आते हो, 40 दिन में आते हो, कई बार एक महीने के बाद आ रहा हो, मतलब इररेगुलरिटी देखने को मिल रही हो, मेट्रोरेजिया देखने को मिल रहा हो अगर, और उसके बाद बहुत ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है जैसे पेट में कुछ दबाव बन रहा है, कुछ दब रहा है, और उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी के समय में एब्डोमिनल पेन होता है, अगर उतना ज्यादा तकलीफ देखने को मिल रहा हो महिला में, और उसके बाद ब्लीडिंग का कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा डार्क कलर का ब्लड देखने को मिल रहा हो और बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही हो, और उसके बाद वुमेन आपको बताती है कि महीना बंद होने के बाद भी वॉटरी ब्लड मतलब पानी जैसा खून का स्त्राव अगले महीने आने तक, मतलब महीना बंद हो चुका है उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आएगा तब तक अगर वॉटरी ब्लडी डिस्चार्ज वुमेन में बना हुआ है तो आप सिकल कोर देंगे और आप देखेंगे कि वुमेन के जो कंप्लेंट्स हैं वो ठीक हो जाएंगी, तो आप डेफिनेटली सिकल कोर का यूज कर सकते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हम एबॉर्शन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कौन से एबॉर्शन? स्पेशली थ्रेटेंड एबॉर्शन। जैसे आपको पता होगा कि थ्रेटेंड एबॉर्शन एक ऐसा एबॉर्शन है हमारा जिसमें हम बच्चे को फिटस को बचा सकते हैं, यही एकमात्र ऐसा एबॉर्शन होता है जिसमें फिटस को बचा सकते हैं। नाम में तो थ्रेटेंड है बट क्या है ये अपोज, जिसमें बच्चे को हमने बचा लिया। अगर ऐसा एबॉर्शन वुमेन में टेंडेंसी है कि हर थर्ड मंथ में, पिछली प्रेगनेंसी में भी ऐसा देखने को मिला था, इसके पहले भी प्रेगनेंसी हुई थी तो उसमें भी थर्ड मंथ में थ्रेटेंड एबॉर्शन की अगर टेंडेंसी देखने को मिली थी वुमेन में, तब आप सिकल कोर के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर थर्ड मंथ में मिसकैरेज हो जाता है, स्वतः ही फिटस एक्सक्रीट आउट हो जाता है, स्वतः ही फिटस का बॉडी से निकल जाना, उसको हम मिसकैरेज कहते हैं, तो अगर ऐसा होता है तब आप सबीना के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम इसके ल्यूकोरिया की बात करते हैं। अगर किसी वुमेन में ल्यूकोरिया हरे कलर का देखने को मिल रहा है या तो ब्राउन कलर का देखने को मिल रहा हो, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग ल्यूकोरिया है, तब भी आप सिकल कोर के बारे में सोचेंगे। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेबर पेन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई वुमेन है उसको लेबर पेन जो है इररेगुलर है, मतलब हम फॉल्स लेबर में क्या देखते हैं, इररेगुलर पेन होता है, जबकि जो हमारा ट्रू लेबर है वहां पे रेगुलर पेन होता है और उसका ड्यूरेशन कम होता जाता है जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई वुमेन है उसमें रेगुलर पेन देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा फीवर नेचर का है, फिर बंद हो जाता है दर्द, फिर चालू हो जाता है, उसको हर एक चीज खुली हुई लगती है और ओपन लगती है, जैसे हमारा वेजाइनल एरिया है तो उसको ऐसा लगता है कि ऑस जो है वो ओपन हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ बाहर नहीं निकल रहा है, अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है तब भी आप सिकल कोर के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिस्पांस आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बट इसका मतलब आप ये नहीं है कि अगर कोई वुमेन लेबर पेन में है तो आप उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं, बिल्कुल आप हॉस्पिटल ले जाइए क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, और अगर आप डॉक्टर भी हैं तो अगर आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं तभी घर में डिलीवरी कराने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज मत कीजिएगा। अब हम इसके स्किन सिम्टम की बात कर लेते हैं।
तो बॉयल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन में बॉयल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे बॉयल्स हो रहे हो और उसमें जो है ना डिपोजिशन ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा हो, और बॉयल्स जो है बहुत दिनों में पकते हो, मतलब बहुत टाइम लग जाता है बॉयल्स को पकने में और हील होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब ठीक होने में, तब भी आप सिकल कोर के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये गैंग्रीन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई पर्सन है उसमें सेनाइल गैंग्रीन देखने को मिल रहा हो, मतलब एक सिंगल गैंग्रीन देखने को मिल रहा हो, ड्राई नेचर का गैंग्रीन है, और उसके बाद हॉट से हीट अप्लीकेशन से अगर एग्रावेशन देखने को मिल रहा, कंप्लेंट्स बढ़ जाते हो, तब आप सिकल कोर दे सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम इसके जनरल मोडालिटीज की बात कर लेते हैं कि किस किस कंडीशन में पर्सन की कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पर्सन है कवरिंग से इसको दिक्कत देखने को मिलेगी, जो भी पार्ट्स अफेक्ट हैं अगर उसको पर्सन कवर करते हैं तो इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, हीट से वार्म से इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगे। और वहीं हम इसके एम्ब्लोरेशन की बात करते हैं तो कोल्ड अप्लीकेशन से, कोल्ड एयर से और अनकवरिंग से पर्सन को रिलीफ देखने को मिलेगा। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। ज्यादा इंक्वायरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं dr.premvatiyadav। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो भी ऐसा आपको लगता है कि कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है तो आप उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।